हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह आज लेकर आया हूं अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 10 और 30 का तीसरा अनुपातिक ज्ञात करें। संख्या दी है 10 और 30, यानी कि पूछ रहा है तीसरा अनुपातिक, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 और 30 और तीसरा अनुपातिक हम मान लेते हैं x को, और इसको हम करते हैं 10 से 30 हुआ है और 30 से x हुआ है, यानी कि इसको हम लिखने का तरीका है, इसको हम लिख सकते हैं 10 रेशियो 30 और समानुपात 30 रेशियो x लिख सकते हैं। 10 अनुपात 30 को हम लिख सकते हैं 10 बटा 30, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं 30 अनुपात x को 30 बटे x। अब कैची गुणा करा देंगे, यानी कि इधर हो जाएगा हमारा 10x और 30 गुणा 30 इधर हो जाएगा 30 गुणा 30, x बराबर हो जाएगा 30 गुणा 30 और बटे में ये वाला 10 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 3 × 9 यानी कि, और ये वाला 0 90 यानी कि x बराबर हमारा आ जाएगा 90, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं 10 तियाँ यानी कि 3 गुणा हो रहा है 30 हो रहा है, और 30 का 3 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया है 20 तथा 80 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी कि मध्यानुपाती मतलब होता है बीच की संख्या पूछ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या हमारी 20 दी है, मध्यानुपाती पूछ रहा है x मान लेंगे, और तीसरी संख्या हमारी 80 दी है, इसको हम लिख सकते हैं 20 से x हो रहा है, x से 80 हो रहा है, यानी कि इसको हम लिखने का तरीका है 20 अनुपात x लिख सकते हैं, समानुपात x अनुपात 80 लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, और 20 अनुपात x को हम लिख सकते हैं 20 बटा x, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, इस x अनुपात 80 को लिख सकते हैं x बटे 80, कैची गुणा करा देंगे, हमारा हो जाएगा 20 गुणे 80, 20 गुणे 80 बराबर हो जाएगा x, x की गुणा कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 दुनी 16 और 2 0 यानी कि 1600, और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1600, और 1600 अंडर रूट से बाहर निकल कर आएगा तो क्या हो जाएगा 16 का 4 डबल 0 का 1 0 यानी कि 40 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 40, ऑप्शन नंबर ए। इसको करने का एक तरीका और है, 20 का दोगुना करेंगे, 20 का दोगुना करेंगे 40, 40 का दोगुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, इस प्रकार भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है 20 तथा 40 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। प्रथमानुपाती क्या होता है, मान लेते हैं कि प्रथमानुपाती हमारा x है, एक संख्या हमारी 20 दी है और एक संख्या हमारी 40 है, और इसको लिखने का तरीका है x से 20 हो रहा है, 20 से 40 हो रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x रेशियो 20 और समानुपात 20 से 40 यानी कि 20 अनुपात 40 लिख सकते हैं, और अनुपात का मतलब होता है बटे में, यानी कि x अनुपात 20 को लिख सकते हैं x बटे 20, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, इसको लिख सकते हैं 20 बटा 40, कैची गुणा करा देंगे, ये हमारा हो जाएगा 40 उधर जाएगा तो 40x और बराबर 20 गुणे 20, एक्स बराबर हो जाएगा 20 गुणे 20 और बटे में ये वाला 40 चला जाएगा, 0 से 0 गया, 2 दुनी 4 और 2 से 2 गया यानी कि 2 की 2, हमारा बचेगा क्या x बराबर जो है हमारा 10 बचेगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10। इसको करने का एक तरीका और है, 20 का 40 हो रहा है यानी कि 2 गुना हो रहा है, और इधर भी 2 गुना हो रहा होगा यानी कि 20 हो रहा है, तो 10 से दोगुना होगा तभी तो 20 होगा यानी कि यहाँ पर 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया है
संख्याओं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपातिक क्या है? यानी कि चौथा समानुपातिक पूछ रहा है, संख्याएं हमारी हैं एक 12 है, अब एक 16 है, एक 18 है और चौथा समानुपाती मान लेते हैं कि x है। और इसको लिखने का तरीका है 12:16 समानुपात 18:x। अब इसको हम लिख सकते हैं 12/16, 12/16 अनुपात का मतलब होता है बटा, समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 18/x। कैची गुणा करा देंगे, x उधर जाएगा तो 12x हो जाएगा, और 16 गुणे 18 x बराबर हो जाएगा 16 गुणे 18, और बटे में 12 चला जाएगा, 6 दुनी 12, 6 3 18, 2 से ये चला जाएगा, 2 8 16, यानी कि x बराबर आ जाएगा 8 3 24, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया है 3, 4 और 9 का चौथा अनुपातिक ज्ञात करें। यानी कि संख्याएं दी हैं 3 है 4 है 9 है, चौथा अनुपातिक ज्ञात करना है, यानी कि x मान लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3:4 और समानुपात 9:x। अनुपात का मतलब होता है बटे में, यानी कि 3/4 लिख सकते हैं, समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसको हम लिख सकते हैं 9/x। कैची गुणा करा देंगे, हमारा ये 3x हो जाएगा, 3x बराबर 9 गुणे 4, एक्स बराबर हो जाएगा 9 गुणे 4, और बटे में 3 चला जाएगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 3 9, यानी कि x बराबर आ जाएगा 3 चक्कू 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है यदि 5:9 समानुपात x:27 है तो x बराबर क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 5:9 समानुपात x अनुपात 27 दिया है। इसको लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब होता है बटा, यानी कि 5/9 लिख सकते हैं, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, बराबर x, इसको लिख सकते हैं x/27। कैची गुणा करा देंगे, हमारा हो जाएगा 9x और इधर हो जाएगा 27 × 5, और x बराबर 27 × 5, और बटे में 9 चला जाएगा, 9 3 27, यानी कि x बराबर आ जाएगा 5 3 15, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज जो क्वेश्चन मैं लेकर आया था, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और पूछे गए क्वेश्चन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।